आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद में गड्ढा मुक्त सड़क संबंधित बैठक, कहा जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी कार्यदायी संस्था सड़कों पर नहीं खोदेगी गड्ढा। प्रोत्साहन राशि की जगह निर्धारित मानदेय की मांग को लेकर जनपद के सभी ब्लॉकों पर एक सप्ताह से चल रहा आशा कार्यकर्तियों का धरना सीएमओ की पहल पर हुआ समाप्त। सीएमओ ने कहा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत के बाद आशा बहनों ने किया धरना समाप्त। गीडा पुलिस ने 1 सितंबर से गायब बच्चे को सकुशल किया बरामद, कहा बिहार के पश्चिमी चंपारण से बच्चे को किया गया बरामद, उनके परिजनों को किया गया सुपुर्द। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत बुधवार को एसएसपी ने खोराबाड़ थाना पर लगाया पुलिस चौपाल, महिला बीट पुलिस अधिकारी से जाना क्षेत्र का हाल, सुनी फरियादियों की फरियाद, दिए निस्तारण के निर्देश। दीपावली पर्व पर नगर निगम परिसर में लगेगा दीपावली मेला, सामानों के साथ उपलब्ध रहेगा मनोरंजन के साधन, नगर आयुक्त ने कहा लोग कर सकते हैं दीपावली के सामानों की खरीदारी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद का शपथ ग्रहण के बाद प्रथम जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, कहा निषाद पार्टी के गठबंधन से 2022 में बनेगी भाजपा की सरकार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य वित्त 14वां तथा 15वां वित्त आयोग व अवस्थापना निधि की बैठक, कंट्रोल रूम बनाकर कार्यों की मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। दीपावली पर्व पर महानगर के 11 स्थानों पर लगेगी आतिशबाजी की दुकानें, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा सभी लाइसेंसी दुकानदारों को करना होगा मानक का पालन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के विद्यालयों की गुणवत्ता संबंधित बैठक, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत विद्यालयों के कायाकल्प के दिए निर्देश, कहा विद्यालयों में बढ़ाया जाए छात्रों की संख्या, की जाए बेहतर व्यवस्था। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा डेंगू से बचाव के लिए कटिबद्ध है नगर निगम, लोगों से की अपील, कहा डेंगू से बचाव के लिए घरों में ना इकट्ठा होने दे पानी। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार अभियान के तहत एसपी सिटी सोनम कुमार ने राजघाट थाने पर लगाया पुलिस चौपाल, सुनी लोगों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, समाधान की बनी रणनीति। और बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 62 केंद्रों पर कुल 7,876 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, प्रथम डोज लेने वालों में 2,399 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 5,477 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाए टीका जीत का।